एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कहे जाने वाली बीएमसी चुनाव के लिए जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल और संगठन एकजुट होकर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई की ऑल इंडिया ब्लू टाइगर ने भी आगामी वर्ष 2022 में होने वाले चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट कर लिया है। ऑल इंडिया ब्लू टाइगर इस बार आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों के घरों तक जाएगी। चुनाव से पहले ही ऑल इंडिया ब्लू टाइगर अब अपने पार्टी में कई नेताओं को अहम पद सौंप रही है। ब्लू इंडिया टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलास हरी भाव रूपवते ने बीजेपी से आए हुए अतीक खान को राष्ट्रीय वाहतुक टाइगर सेना का जिम्मा सौंपा। ऑल इंडिया ब्लू टाइगर इस बार जातिवाद तोड़ो और समाज जोड़ो इस नए नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। वाहतुक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतीक खान ने जिम्मेदारी संभालते ही और टैक्सी चालक बैंक द्वारा ईएमआई की समस्या झेल रहे लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अतीक खान ने कहा कि वे जल्द ही लोगों का लोन माफ करवाएंगे। गाड़ी घेतलेली जो व्यवसाय करतो त्यांना न्याय मिळून देणार असे अतिक भाईंना ती जबाबदारी आपण दिलेली आहे। आणि अतिक भाई 6 महीने में हम लोग खाली 6 महीना हो गया ऑल इंडिया ब्लू टाइगर को 50,000 लोग इसमें ज्वाइन हो गए। आज कोरोना है इसलिए आपने कम लोग यहाँ पे बुलाए और मैं एक ही चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो बड़ा मैदान है शिवाजी पार्क, मैंने तो पहला शिवाजी पार्क लिया है, जो दुर्बल शोषित पीड़ित जो नीचे का वर्ग है उनको लिए कोई राजकीय नेता कोई भी समाज सेवक कोई काम नहीं करते। क्यों? क्या वो अशिक्षित है, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग है, इसलिए उनके लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन फुले शाह अंबेडकर जो हमारे बाबा साहब है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा फुले, इन्होंने दुर्बल शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम किया। उसके बाद कोई लीडर नहीं इनके लिए काम किया नहीं, जो विधवा माँ है हमारी, जो परित्यक्ता माँ है, जो देवदासी माँ है, आज के जमाने में अपनी सबकी माँ है। लेकिन जब अपन बड़ा होता है लेकिन माँ के ऊपर अपन ध्यान नहीं देते, क्योंकि अपनी शादी होती है, शादी के बाद अपने बच्चे होते हैं। लेकिन इसलिए अपन सभी वो माँ के बेटे और वो माँ के लिए हम लोग महाराष्ट्र निराधार देवदासी महिला संगठन के जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे लताताई सकट, वो दिवंगत हो गए, इन्होंने और मैं मिलके इनका आवाज सरकार तक पहुंचाया